सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है कि लोगों की सदस्यता ले ले, हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है। और अब ये भी देखना है कि कुछ लोगों के खिलाफ हुआ है तो उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, रोजगार कैसे मिले, उस दिशा में सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज जनता रो रही है, बिजली है नहीं और बिजली का भी बिल कितना देना पड़ रहा है, बिजली का संकट है। किसान का संकट इसलिए है कि उसकी पैदावार को सही मूल्य नहीं मिला और जो नुकसान हुआ या जो नुकसान होने जा रहा है बाढ़ से, सूखा से, क्या सरकार उसके लिए मदद के लिए तैयार है? एक मंडी उत्तर प्रदेश में नहीं खोली सरकार ने, जो मंडियां खुली भी थी, वो बंद हो गई। जहां तक कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।